स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 8 का पाठ 7 संधि का जो अभ्यास पुस्तिका है उसको हम कराएंगे। बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से अभ्यास पुस्तिका से पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। एक नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है का नंबर में, संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण, हिम जोड़ आलय हिमालय। हम यहाँ पर एक ही जो उदाहरण लिखे हैं, आप और भी उदाहरण ले सकते हो। नीर जोड़ धन निर्धन, महाजोड़ आत्मा महात्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम बताइए। उत्तर, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। ग नंबर, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको आपको कॉपी में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, दूसरा नंबर में, निम्न वाक्य में संधि युक्त शब्दों को रेखांकित करके संधि विच्छेद कीजिए। का नंबर, हम हर रोज सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। यहाँ पर सूर्योदय हो जाएगा संधि युक्त शब्द और सूर्योदय का संधि विच्छेद आपको करने होगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ख नंबर में, संविधान में हमारे कर्तव्यों को रेखांकित किया गया है। तो रेखांकित में अंडरलाइन कीजिए, ये हो जाएगा संधि युक्त शब्द, इसको आपको संधि विच्छेद करना है। रेखांकित, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रेखा जोड़ अंकित, रेखांकित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग नंबर, अपने मन की दुविधा को निसंकोच हमारे सामने रखिए। तो ये निसंकोच हो जाएगा संधि युक्त शब्द और इसको विच्छेद करने होगा। तो क्या हो जाएगा, निसंकोच का निह विसर्ग संधि, ठीक है, नि जोड़ संकोच, निसंकोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर में, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ संधि युक्त शब्द दिया हुआ है, आपको इसको विच्छेद करना है, यानी विच्छेद मतलब अलग करना, इसको अलग अलग करके लिखना है। तो क्या होगा, निर्धन, निर्धन संधि विच्छेद क्या होगा, नि जोड़ धन निर्धन, ठीक है, विसर्ग संधि। महात्मा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महात्मा का महा जोड़ आत्मा महात्मा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, सज्जन, सज्जन क्या हो जाएगा, सत, सत, जहाँ पर ज रहता है ये व्यंजन संधि है, जहाँ पर ज रहता है आधा ज उसको त में हलंद कर दिया जाता है, ठीक है। बच्चों, इसका बहुत अच्छा वीडियो हम बनाए हैं, संधि पहचानने का आसान ट्रिक, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पहचानने का आसान ट्रिक, इसका वीडियो मैंने बना दिए हैं तीनों अलग अलग वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे हैं उन सब वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सत, सत जोड़ जन सज्जन। नेक्स्ट देखिए, पितृज्ञ, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, पितृ पितृ जोड़ आज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा,
पित्राज्ञाम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विद्यानंद, पहले हम इस साइड का कर लिए हैं, यहाँ पर क के बाद ख था लेकिन हम एक साइड का कर लिए हैं, अभी दूसरा साइड का कर रहे हैं, ठीक है। विद्यानंद क्या हो जाएगा बच्चों, विद्या विद्या जोड़ धन, विद्या ना विद्यानंद, विद्या जोड़ आनंद, विद्या जोड़ आनंद क्या हो जाएगा, विद्यानंद, विद्या जोड़ आनंद विद्यानंद। उसके बाद है नाभिक, नाभिक नौ, नौ नौ जोड़ ईख, नौ जोड़ ईख नाभिक, नौ जोड़ ईख नाभिक। उसका नेक्स्ट है निश्चल, निश्चल विसर्ग संधि है, ठीक है। नी नी जोड़ छल हो जाएगा निश्चल। लास्ट है सम्मति, सम्मति क्या हो जाएगा इसका, सम सम ममे हलंत सम जोड़ मति सम्मति, ठीक है। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद करते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।